हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, डीएम की का दौर चला था। हमने कुछ डीएम के पर्सपेक्टिव के बारे में बात की थी। कल थोड़ी व्यस्तता थी तो वीडियो मैंने बनाया तो नहीं, लेकिन आज मेरा मन किया कि क्यों ना डीएम की ही बात की जाए अभी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जब वो अवेकन होने को होते हैं उस समय डीएम के साथ क्या होता है, वो क्या सोचते हैं। चलिए आज कुछ इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो खैर थोड़ी सी हैवी एनर्जी चल रही है कलेक्टिव में, होपफुली आप लोगों को भी महसूस हो रही होगी। बट जब ऐसी एनर्जी होती है तब हमको और ज़्यादा हाई एनर्जी में होना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं ओके तो उससे वो जो लो एनर्जी का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसकी वो इंटेंसिटी हमारी लाइफ में कम हो जाती है। जब रोना आए तो और हंसो, जब नेगेटिविटी आए तब और पॉजिटिव सोचो, और उससे बढ़ के ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड, द बेस्ट वे टू गिव हाई वाइब्रेशन टू योरसेल्फ। कोई मंत्रा नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, ग्रैटिट्यूड के सामने कुछ नहीं टिकता है। यूनिवर्स ने आपको आज का ये दिन दिखाया, आप मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हमको खाने को भोजन मिल रहा है, ठीक है, हम लोग को सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही, थोड़ी सही ज़्यादा सही जैसी भी जो भी है, एटलीस्ट हम लोग इस प्लैनेट अर्थ में ज़िंदा है, राइट। तो हर पल हर क्षण यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करिए, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। बस कोई मजाल नहीं है किसी डेमन की भी कि वो आपकी वाइब्रेशन को लो कर सके, ठीक है। तो इसी हाई वाइब्रेशन के साथ मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ, ठीक है दोस्तों। जब डीएम अवेकन होने को होते हैं तो वो आपको बहुत मिस करने लगते हैं, इन द सेंस कि प्यार तो वो करते ही थे, याद तो वो करते ही थे, मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी उनकी भी होती थी सेम, लेकिन इस वक्त वो छटपटाते हैं, उनको से मन करता है कि वो आपको अप्रोच करें, मिस करते हैं, याद करते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह उनको आपका नाम दिखना चालू हो जाता है, जैसे आप लोगों के संग होता है, आप लोगों को आपके डीएम के नाम दिखते हैं, लेटर्स दिखते हैं, ऐसे ही उनको भी आपके नाम लेटर्स, अगर थोड़ा सा वो लोग की अवेयरनेस अच्छी हो तो उन्हें साइन सारे मिलते हैं, फेदर्स, रेनबो। थिंग इज दिस कि उनको उतना ज्ञान हो या उनका ध्यान जाए उस पर, बट साइन सब मिलते हैं उनको। और आप ही की तरह वो भी रात बिरात उठ के घबरा घबरा के उठते हैं, बेचैनी भरी रात होती है, हाँ, उठ उठ के जागते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, हो सकता है आपका लास्ट सीन भी चेक करते हो, ठीक है, तो रेस्टलेस नाइट उनकी भी होती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनको जैसे कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से वो भी कनेक्ट होते हैं, उनको भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, कहीं से भी कोई वो बातें होती हैं उनके सामने आती हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो वो उससे कनेक्ट करने लगते हैं, रेजोनेट करने लगते हैं या खुद उसमें मन लगाने लगते हैं, उनको वो बातें अच्छी लगने लगती हैं। और उसके साथ साथ जब लोग सोते हैं, जैसे हम लोगों को हेलो ऊंचाई से गिरने का एक साइन एंड सिम्टम्स होता है, व्हेन यू आर एंटरिंग इन द गेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसी प्रकार से इस प्रकार की स्लीप उनकी भी होती है कि सपोज वो लोग हाइट से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ उनके साथ भी होने लगती है। डेजाबूज उनको भी होते हैं, डेजाबूज इज द परफेक्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स। देख, जबकि आप अपने पर्सन से मिल रहे हैं या आप या किसी और से आप बात कर रहे हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो पहले हो चुकी है, दिस इज़ कॉल्ड डेजाबूज। और शायद मैंने किसी वीडियो में बोला भी, डेजाबूज इज़ अ साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्विन फ्लेम्स, तो डेजाबूज उनको भी होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और ये तो खैर एक कॉमन सिम्टम शुरू से होता है, जब वो आपकी लाइफ में जितना वो आपसे ज़्यादा रन करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं वो अंदर की दुनिया में आपसे और करीब आते हैं। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वो आपको ब्लॉक करके बैठे, पर हायर सेल्फ में आप उनको फील कर रहे हो, हायर सेल्फ में आप उनको करीब महसूस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जितना वो आपसे दूर जाते हैं वो हायर सेल्फ में आपके उतने ही करीब होते हैं, सिंपली नेक्स्ट टू यू,
ये समझ लीजिए कि जब आप उनसे जब भी कभी बात करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने उनसे इतने सालों से बात नहीं करी. इट इज़ लाइक कि यार हम तो बात करते ही रोज. यू सिंपली टेस्ट एंड डू दिस कि आप किसी और रिलेटिव से कभी भी बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ बहुत दिन बाद बात हो रही है एंड यू फील गुड. ओके, पर जब आप अपने पर्सन से बात करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने एक साल की बात कर रही हूँ या छः महीने की बात कर रही हूँ या मैं. इट इज़ लाइक वी वर ऑलवेज टुगेदर. ट्राई टू फील दिस थिंग. ठीक है, और इनकी दुनिया से भी जैसे हम लोग इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं तो हमारे जो भी हम लोग आइसोलेट हो जाते हैं, हमारे लाइफ से टॉक्सिक लोग चले जाते हैं, इनकी धीरे धीरे इनकी लाइफ से ही वो टॉक्सिक लोग दूर होने लगते हैं, जिनको हम लोग थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं या टॉक्सिक फ्रेंड्स भी कह सकते हैं. धीरे धीरे ये भी इनकी दुनिया से दूर होते हैं, तभी तो ये आपके करीब आ पाते हैं. ठीक है, इनकी मतलब कि उनकी एनर्जी अब इन पर हावी नहीं होती है, इसीलिए ये अब आपकी एनर्जी को महसूस करना शुरू कर पाते हैं. ये स्पिरिचुअलिटी को एहसास करने लगते हैं, समझने लगते हैं, यूनिवर्स के प्लान को समझने लगते हैं कि तभी होता है, सारी पॉजिटिविटी तभी आती है जब ये टॉक्सिक लोग इनकी लाइफ से दूर जाते हैं. ठीक है, और इनको एहसास होता है कि जिसको मैंने छोड़ के इतने दूर भाग रहा था, मेरा रियल लव तो वही है. कितना अनकंडीशनल प्यार, मेरी डीएफ तो खैर वो नहीं जानते, लेकिन हाँ कितना अनकंडीशनल लव आपने उनको किया जिसको वो समझ भी नहीं पाए, और उनको इस बात का बहुत गिल्ट होना चालू हो जाता है. और यही कारण है कि वो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इन द बिगनिंग दे यूज़ टू अप्रोच, दे यूज़ टू जस्ट एक मैसेज डाल देंगे, हाय कैसी हो या क्या चल रहा है. इसका मतलब यही है कि दे आर रियलाइजिंग दिस कनेक्शन, दे आर स्टार्टेड फीलिंग. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि वो बस पहले दिन ही आके आपसे बोल दें कि ओके आई एम रियलाइजिंग दिस कनेक्शन दिस एंड दैट. नो, ऐसा नहीं होता है. वो भी एक ह्यूमन फॉर्म में है और वो थ्री डी रियलिटी में रहते हैं. उनकी पहले ईगो की डेथ होती है, तभी वो आपको हाय कैसे हो करके लिखेंगे. फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा फिर खुद पे फोकस होते हैं. वो आपसे बात भी करेंगे तो वो शायद थोड़ा बहुत अपने बारे में ही बात करेंगे, अपने पर ही फोकस होंगे, या होपफुली कि वो आपको वो कंसर्न ना दें जो कि आप उनसे चाह रहे हैं. राइट, ठीक है, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं. ठीक है, धीरे धीरे वो अपने से फोकस होके आप पर आएंगे. ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो सब्र होना चाहिए. और अगर आपके अंदर वो सब्र नहीं है, मतलब कि अभी आपकी जर्नी में अभी आप खुद भी अवेकन नहीं हुए पूरा, अभी आपको भी वर्क करना है. ठीक है, आप यू कांट एक्सपेक्ट इन अ सिंगल डे कि वो बिल्कुल पहले की तरह आपसे बात करेंगे, पहले की तरह रोमांस करेंगे. ऐसा नहीं है दोस्तों, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं. हो सकता है कि पहले वो सिर्फ खुद पे फोकस हो और आपको लगे कि यार ये क्या है, ये वापस आया है पर ये मुझसे तो कुछ मेरे बारे तो बारे में पूछ ही नहीं रहा है. होपफुली ये आपके संग हो सकता है, पर डोंट कंसीडर देम रॉन्ग. ठीक है, हाँ, लेकिन जब वो थोड़ा बहुत आते हैं आपकी लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनर वर्क करना छोड़ दो. कुछ चीज़ें आपको करती रहनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, कर्मास पर वर्क करना करते रहना पड़ेगा, वुंड्स पे वर्क करते रहना पड़ेगा. देखिए मैं बार बार बोल रही चीज़, आपने किसी को वुंड दिया है माफ़ी मांग लीजिए, आपको किसी ने वुंड दिया है फॉरगिव कर दीजिए. ठीक है, इसी को बोलते हैं कर्मास का बैलेंस. राइट, तो कोई भी चीज़ हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना है, ये अपना इंटेंशन सेट कर लीजिए. और अपने काम, अपनी जर्नी पर अभी भी फोकस रहना है, अपने काम पे, अपनी जर्नी पे. ठीक है, अपने आप को यू बुक योरसेल्फ फॉर 24 आवर्स. सी, ये जो इतनी प्रेशियस बातें हैं, होपफुली कि आप लोगों को सेशन में गाइड की जाती होंगी, जो मैं आप लोगों को इतनी आसानी से बता रही हूँ, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि ये सब आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके आंसर्स आप लोगों को नहीं मिलते हैं.
कि मैम कैसे फोकस करें, कैसे फोकस करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका रहता है जिसके लिए यू रिक्वायर टू टेक सेशंस। अब मैं आपको कहूँगी, बुक योरसेल्फ फॉर 24 आवर्स। याद आती है, सेंड योर लव, गॉड ब्लेस यू, तुम जहाँ हो खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, बस। ठीक है दोस्तों, और हर एक छोटे से आशीर्वाद के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते रहो। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, तूने बहुत दिया है, मैं तेरी आभारी हूँ, मैं तेरा कर्ज चुका नहीं सकती, इस एनर्जी में रहो। दोस्तों कभी आप लो वाइब्रेशन में जाओगे ही नहीं, ठीक है। आखिर मैं इतना ही कहूँगी दोस्तों कि अगर वो अपनी लाइफ में फोकस हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी सेल्फ लव कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में फोकस रह के खुद पे सेल्फ लव करो, ठीक है। तभी तो वो एक ज्योत की तरह, आप लोग अगर एक ज्योत हो, वो ज्योत वहाँ जल रही है, एक ज्योत आप जल रही हो, जब आप ज्योत की तरह जलोगी तभी तो वो ज्योत एक होके एक अखंड ज्योत दिखाई देगी। लेकिन अगर आप बुझे हुए रहोगे, आप सेल्फ लव नहीं करोगे, तो फिर कैसे ये जो एक, उसको हम कहते हैं एक सोल, कैसे लगेगी? क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में है, वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो चाहे याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी अपनी लाइफ पे फोकस है, मतलब उनकी वो ज्योत जल रही है, फिर आप बुझे क्यों हो? अगर आप एक सोल हो तो आपको भी अपनी ज्योत को जलाना है, तभी जब वो एक ज्योत और आपकी एक ज्योत एक होगी तभी तो ये अखंड ज्योत बनेगी। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, गॉड ब्लेस यू।